नमस्कार, मैं ओमकारण शास्त्री। यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ भवत आदरार्थकम सर्वनाम। यहाँ पर संस्कृत व्याकरण में आदरवाचक आदरवाची सर्वनाम को प्रस्तुत करने वाले हैं। भवत भवान, भवत जो है उसका अर्थ होता है आप। जब पुल्लिंग के लिए भवत का प्रयोग किया जाता है तो उस समय उसका एक वचन में बनता है भवान, प्रथमा एक वचन में बनता है भवान। स्त्रीलिंग में भवत का प्रथमा एक वचन में बनता है भवती। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम पुल्लिंग को पढ़ेंगे, उसके बाद स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तम्, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवताम्, भवति, भवतोः, भवत्सु। हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग भवत के शब्द रूप पढ़ते हैं। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीम, भवत्यौ, भवतीहि, भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनाम, भवत्याम, भवत्योः, भवतीषु। हे भवति, हे भवत्यौ, हे भवत्यः। केवलं प्रथम पुरुषस्य क्रियापदेन स उपयुज्यते, किंतु मध्यम पुरुषस्य दर्शकम्। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो भवान का प्रयोग होता है, यद्यपि अगर इसका अर्थ करें तो तुम होता है, जिसको आदरवाचक बनाने के लिए आप कहा जाता है। और आप का प्रयोग करते समय जो क्रियापद है वह प्रथमा विभक्ति, सॉरी, प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। यद्यपि त्वम जो है वह मध्यम पुरुष का है, लेकिन यहाँ पर जब भवान का प्रयोग करते हैं, आदरार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भवान के लिए क्रिया जो है वह प्रथम पुरुष में प्रयुक्त होती है। इसको नीचे दिखाते हैं। कर्तृपदम भवान, भवति, त्वम। जब तुम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? त्वम गच्छसि, त्वम अगच्छः, त्वम गच्छ, त्वम गच्छेहे। लेकिन जब भवान का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? भवान गच्छति, भवति गच्छति, भवान अगच्छत, भवति अगच्छत, भवान गच्छतु, भवति गच्छतु, भवान गच्छेत, भवति गच्छेत। तो यहाँ पर हमने इनको देखा। इसके बाद हम अगली बार किसी अगली विषय वस्तु को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।